दर्ज की गई है। विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने का आरोप लगाया गया है। बीते 6 दिसंबर को बिंद्रा की शादी हुई थी और इसके बाद देखिए अब FIR दर्ज की गई है विवेक बिंद्रा के खिलाफ। ये वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो में जो आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा है, जो अपनी पत्नी के साथ हाथापाई करते नजर आ रहा है। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। इस वीडियो में अस्पताल के बेड पर ये महिला विवेक बिंद्रा की पत्नी है, जो कैमरे पर अपने शरीर पर लगी चोट दिखा रही है। महिला की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लाखों लोगों को मोटिवेशन देने वाला मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा है। दरअसल विवेक बिंद्रा के साले वैभव ने नोएडा थाना सेक्टर 126 में शिकायत दर्ज कराई है। 6 दिसंबर 2023 को विवेक ने यानिका से शादी की और 14 दिसंबर को विवेक के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी से जमकर मारपीट की, जिसमें पत्नी यानिका को गंभीर चोटें आई हैं। सोशल मीडिया पर विवेक का पत्नी यानिका के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फेस पे ये कट था, यहाँ पे ये आर्म पे कट है और ये दोनों नील हैं हाथों पे ये नील है, यहाँ पैर पे भी नील आया था, स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं और इसके अलावा एक थाई में है। यानिका की बहन ने भी विवेक पर कई इल्जाम लगाए हैं। विवेक बिंद्रा की साली का कहना है कि 7 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे मेरे जीजा विवेक बिंद्रा अपनी माँ से बहस कर रहे थे। इस बात को लेकर मेरी बहन यानिका ने बीच बचाव किया तो विवेक ने मेरी बहन को कमरे में बंद कर दिया और गाली गलौज के साथ साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान विवेक ने यानिका के बाल भी जोर जोर से खींचे। सिर पर चोट लगने के बाद उसे चक्कर आने लगे। यानिका का इलाज कर डुमा स्थित कैलाश दीपक अस्पताल में चल रहा है। विवेक बिंद्रा एक यूट्यूबर के साथ साथ एक बड़े कारोबारी भी हैं। विवेक का ये वीडियो देख लोग काफी हैरान हैं। यानिका का परिवार लगातार पुलिस से विवेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने परिवार को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। टीम न्यूज स्टेट। वही मुश्किल में विवेक बिंद्रा नजर आ रहे, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर केस दर्ज हुआ है और ये केस खुद पत्नी ने दर्ज करवाया। पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है, तो कमरे में बंद कर पिटाई का आरोप लगा है। पत्नी के साथ में मारपीट अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। नोएडा के सेक्टर 126 थाने में इसको लेकर केस दर्ज किया गया है। 14 दिसंबर को FIR दर्ज कराई गई थी और 6 दिसंबर को ही विवेक बिंद्रा की शादी हुई थी। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दर्ज की गई है विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने का आरोप लगाया गया है। बीते 6 दिसंबर को बिंद्रा की शादी हुई थी और इसके बाद देखिए अब FIR दर्ज की गई है विवेक बिंद्रा के खिलाफ।